कहते हैं कि तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। ये पंक्तियां हरदोई में तैनात आरक्षी दीपक सिंह पर सटीक बैठती हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 में 20वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बनकर अपनी मां का सपना पूरा कर दिया। उन्हें नौकरी पर रहते हुए बड़े संघर्षों के बाद ये सफलता मिली है। हरदोई में पुलिस विभाग में तैनात आरक्षी दीपक सिंह ने यूपीपीएससी पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश में 20वीं रैंक हासिल की। हरदोई पुलिस में तैनात आरक्षी दीपक सिंह मूल रूप से जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। दीपक ने पीसीएस की परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद पा लिया है। आपको बता दें कि दीपक ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति पाई थी और उनकी पहली पोस्टिंग हरदोई में हुई थी। तब से वे यही पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। दीपक सिंह के डिप्टी कलेक्टर बनते ही पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कर्मचारियों की बधाइयां मिलने लगी। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने भी अपने कार्यालय में दीपक को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र, सीओ सिटी अंकित मिश्रा, सीओ बघौली वंदना शर्मा आदि पुलिस कर्मी मौजूद रहे। कई लड़के तैयारी कर रहे हैं, एक बेनीगंज में भी है, उसको भी पुलिस लाइन में करना है। वो कई दिन से परेशान है सर, वो भी दिया है। सर, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं 2018 बैच का सिपाही हूँ। मेरी वर्तमान तैनाती हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है और 2019 कोरोना के बाद मैंने यूपीपीएससी की तैयारी अपना तैयारी शुरू कर दी थी। ये मेरा तीसरा प्रयास है और 2023 यूपीपीएससी में मेरी 20वीं रैंक है और मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है।